Let's see one more question. Question is like this. Two charges, 2 microcoulomb and 1 microcoulomb are placed at a separation of 10 centimeter. Okay, so there are two charges. There are two charges, 2 microcoulomb and 1 microcoulomb. Matlab capital Q is 2 microcoulomb and small Q is 1 microcoulomb. Are placed at a separation of, separation is 10 centimeter. Here third charge should be placed such that it experience no net force due to these charges. तो इन दो charges के नजदीक कहां पे तीसरा charge हमें रखना पड़ेगा? दोनों are plus, दोनों charges are plus and plus, ठीक है? तो तीसरा charge हमें यहां पे किधर रखना पड़ेगा सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ठीक है? सो तीसरा जो चार्ज है वो कितना भी मैग्नीट्यूड का रहने दो, वो हमें कहां पे रखना पड़ेगा सो दैट फोर्स ऑन दैट थर्ड चार्ज विल बी इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ठीक है? अभी फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू चार्ज, ऐसा फोर्स का एक फॉर्मूला है, करेक्ट है ना? तो जहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो है तो वहां पे कितना भी चार्ज रखो फोर्स क्या आ जाएगा? जीरो ही आ जाएगा। जहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो है वहां पे कितना भी चार्ज क्यों ना रखो क्या हो जाएगा? फोर्स जीरो ही आ जाएगा। मतलब थर्ड चार्ज मुझे कहां पे रखना पड़ेगा? नल पोजीशन पे रखना पड़ेगा। सो देयरफॉर यहां पे नल पोजीशन निकालते हैं, नल पोजीशन का फॉर्मूला रहता है रूट स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय रूट कैपिटल क्यू माइनस रूट स्मॉल क्यू इंटू टोटल डिस्टेंस आर। So x is equal to root small q that is 1 divided by root capital Q that is 2 minus root 1 into total distance is 10 centimeter. So x is equal to 1 divided by root 2 ka value 1.414 rehta hai minus 1. Sorry, similar charges hai to plus karte hai plus. Similar charges ke liye null position ka formula kya hai? Plus hai, plus. Not dissimilar charges into 10. So x is equal to 10 divided by 2.414. That is the value of x. Okay. So x ka answer kitna aa jayega? 10 divided by 2.4 karne par ye 4.1 centimeter aata hai. 4.1 सेंटीमीटर। तो 4.1 सेंटीमीटर पे क्या आ जाएगा? आपका नल पोजीशन आ जाएगा। तो यहां पे अभी क्या लिखेंगे? देयरफॉर नल पोजीशन इज एट 4.1 सेंटीमीटर फ्रॉम smaller magnitude charge that is 1 microcoulomb. So therefore वहां पे हमें third charge रखना पड़ेगा so that there is no force on that. Okay, so when any third charge is placed at 4.1 centimeter from 1 microcoulomb, force on it is equal to zero. फोर्स ऑन इट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ओके, समझ में आया क्या? देखिए नाउ ये हो गया नल पोजीशन बिटवीन द टू चार्जेस। अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस, कंप्लीट इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस। ओके, लेट्स स्टडी दिस।
कंप्लीट इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस मतलब क्या रहता है, देखिए सपोज देर इज अ चार्ज कैपिटल क्यू, उसके बाद यहाँ पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है, उसके बाद अनदर चार्ज इज अनदर जस्ट स्मॉल क्यू इज देयर, और देर इज वन मोर चार्ज आई एम गोइंग टू सपोज दीज आर दोनों चार्ज ये यहाँ पे क्या है प्लस एंड प्लस है, तो यहाँ पे मैं थर्ड चार्ज रखने वाला हूँ। अभी थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम मतलब थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो थर्ड चार्ज कहाँ पे रखना पड़ेगा मुझे, नल पोजिशन पे रखना पड़ेगा। नल पोजिशन मतलब कहाँ पे आ जाएगा, इन बिटवीन द टू चार्जेस, अगर चार्जेस सिमिलर है तो इन बिटवीन टू चार्जेस एंड नियर स्मॉलर चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे मुझे थर्ड चार्ज दैट इज सपोज क्यू डैश रखना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली नल पोजिशन पर थर्ड चार्ज रखने पर ऑटोमेटिकली ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, थर्ड चार्ज ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में आ जाएगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली नल पोजिशन पे है ना, नल पोजिशन पे है मतलब उस पर नेट फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा, एंड नेट फोर्स जीरो मतलब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अभी ये इक्विलिब्रियम में आ गया, लेकिन बाकी के दोनों चार्ज भी इक्विलिब्रियम में आने चाहिए, तो ये थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड हमें निकालना पड़ेगा और उसका साइन भी निकालना पड़ेगा। अभी ये जो बीच में हमने थर्ड चार्ज रखा है वो कौन से साइन का होना चाहिए, ये कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अभी फॉर एग्जाम्पल कैपिटल क्यू हमें इक्विलिब्रियम में लाना है, सपोज कैपिटल क्यू को हमें इक्विलिब्रियम में लेके आना है, तो कैपिटल क्यू पर ये दोनों चार्जेस दैट इज क्यू डैश एंड प्लस क्यू चार्ज, दोनों चार्जेस क्या करेंगे, फोर्स एग्जर्ट करेंगे। अभी कैपिटल क्यू पर प्लस क्यू चार्ज रिपल्शन एग्जर्ट करेगा, एंड रिपल्शन कौन से डायरेक्शन में रहेगा, रिपल्शन विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, प्लस क्यू चार्ज पर ये प्लस क्यू प्लस स्मॉल क्यू चार्ज जो है वो रिपल्शन एग्जर्ट करेगा। ठीक है, अभी प्लस कैपिटल क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में आने के लिए इस पर और एक फोर्स होना चाहिए, एंड वो फोर्स कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, टुवर्ड्स राइट ही होना चाहिए, तभी प्लस कैपिटल क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में आ सकता है। मतलब ये क्यू डैश चार्ज का साइन कौन सा होना चाहिए, माइनस साइन ही होना चाहिए, क्योंकि प्लस और माइनस में ही अट्रैक्शन होता है ना। तो यहाँ पे थर्ड चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द प्लेस्ड इन बिटवीन देम शुड हैव अपोजिट साइन। ओके, दैट इज द थिंग। ओके, सो थर्ड चार्ज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस, थर्ड चार्ज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस शुड हैव अपोजिट साइन, तभी ये कैपिटल क्यू जो है इक्विलिब्रियम में आ सकता है। शुड हैव अपोजिट साइन दैट इज कौन सा साइन होना चाहिए, नेगेटिव साइन होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव ही होना चाहिए। ठीक है, अभी यहां पे सपोज दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है, मतलब प्लस कैपिटल क्यू एंड प्लस स्मॉल क्यू के बीच में डिस्टेंस क्या है, आर है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर कितना रहेगा, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा। एंड यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना रहेगा, के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंटू कैपिटल क्यू इंटू क्यू डैश डिवाइडेड बाय, अभी ये सपोज डिस्टेंस कितना है x है, सपोज दिस डिस्टेंस इज x, तो यहाँ पे x square हो जाएगा क्योंकि x तो हमें निकालना आता है by using that formula of null position, x square, और ये दोनों forces अगर सेम हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड के हो जाएंगे, तो कैपिटल Q चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सो therefore फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल Q, यहाँ पे क्या होना चाहिए, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, के क्यू डैश इंटू क्यू, बीच वाला चार्ज कितना है क्यू डैश इंटू क्यू, और बीच वाला चार्ज एंड कैपिटल क्यू के बीच में सपोज डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो एक्स स्क्वेयर। ओके, एंड बाय सॉल्विंग दिस, ये सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्यू डैश का वैल्यू मिलेगा, के कैंसल हो जाएगा, एंड देयरफॉर क्यू डैश विल बी गिवन बाय फॉर्मूला
कैपिटल क्यू भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्यू डैश का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्यू डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर इंटू क्यू आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर इंटू क्यू, क्यू डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर इंटू क्यू. सो दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो पहले x निकालना पड़ेगा, r तो हमें पता होगा, तो पहले x निकालना पड़ेगा. x कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द नल पोजीशन. नल पोजीशन का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज रूट क्यू अपॉन रूट क्यू प्लस रूट क्यू का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यूज करके x पहले निकालना पड़ेगा, और x निकालने के बाद ये बीच वाला चार्ज जो रहेगा उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं. सो कंप्लीट इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक थर्ड चार्ज यहाँ पे लाना पड़ेगा. वो कहाँ पे रखना पड़ेगा, नल पोजीशन पे रखना पड़ेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, दैट इज क्यू डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इनटू क्यू आ जाएगा. ओके, सो इन दिस वे ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम आ जाएगा. ओके, अगर दोनों चार्जेस प्लस प्लस है तो बीच वाला चार्ज जो है वो माइनस ही रहना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस आ सकता है. अगर कैपिटल क्यू इक्विलिब्रियम में आता है तो ये स्मॉल क्यू भी इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली आता है, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. ओके, अगर दो ही चार्जेस है तो वो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे. अगर दो ही चार्जेस है सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन रहेगा, एंड डिसिमिलर है तो अट्रैक्शन रहेगा, एंड देयरफॉर देयर विल नॉट बी एनी इक्विलिब्रियम. So, दो चार्जेस के बीच में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं रह सकता, देयर कैन बी आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन. एंड दो चार्जेस के बीच में या फिर साइड पे क्या करना पड़ेगा, नल पोजीशन पे हमें एक तीसरा चार्ज रखना पड़ेगा, और तीसरा चार्ज रखने के बाद क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल द थ्री चार्जेस आ जाएंगे. मतलब तीसरा चार्ज नल पोजिशन पे रखने के कारण वो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि उस पर फोर्स जीरो रहेगा, इन टू क्यू That is 0 into Q is equal to 0 ही आ जाएगा. तीसरा चार्ज ऑटोमेटिकली नल पोजिशन पे है, तो तीसरे चार्ज पर फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा. ठीक है, अभी बाकी के चार्जेस पर फोर्स जीरो आने के लिए कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा. ओके, एंड दिस इज वन मेथड ऑफ डूइंग दैट कैलकुलेशन. सो इन दिस वे देयर कैन बी क्वेश्चन दैट फॉर द कंप्लीट इक्विलिब्रियम ऑफ फॉलोइंग चार्जेस हाउ मच एंड वेयर द चार्ज शुड बी प्लेस्ड. So that all the charges will be in complete equilibrium and there will not be any force on any charge. Okay, so इस तरह से complete equilibrium of three charges आता है. Okay, समझ में आया क्या, देखिए इसमें कुछ doubt है तो बोलिए.